हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई क्विज मेरे टीम मेंबर्स के साथ या मेरे बाकी टीचर्स के साथ शेयर करना है तो कैसे करें। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चालू करते हैं वीडियो। अगर जैसे मैंने बोला मेरा जो पेपर है क्विज, बाकी टीचर्स या बाकी जो मेरे टीम मेंबर्स है वो एसेस कर पाए, मतलब एडिट कर सके, रिजल्ट्स देख सके, रिस्पॉन्सेज देख सके, उनको एडिट कर सके तो कैसे करें। उसके लिए क्या करना है, आपको आपका जो भी गूगल फॉर्म है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स मिलेगी ऑप्शन, वो थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एड कोलाबरेटर्स, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको वो जो पर्सन है, आइदर टीचर हो सकता है या फिर आपके टीम मेंबर्स, उनके ईमेल आईडी यहाँ पे लिखने हैं। सो हम यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दिया है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो एडिटर ऑप्शन हो। अगर एडिटर है तो वो मेरी क्विज जो है या गूगल फॉर्म जो है वो एडिट कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा एडिट। सो यहाँ पे एडिटर चूज कर लेना है एंड हमें सेंड पे क्लिक कर देना है। सो जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगी तो वो जो पर्सन है, टीचर है या फिर आपका टीम मेंबर है, उसे एक मेल आ जाएगा एंड ये मेरा जो पेपर है वैसा शेयर हो जाएगा उसके साथ। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आपका पेपर शेयर कर सकते हो। तो आप आइदर आपके टीम मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए या फिर आप आपके, लेट्स से मुझे कोई दूसरी ईमेल आईडी से यही पेपर को एसेस करना है तो मैं मेरा वो ईमेल आईडी डाल दूंगी एंड वैसे मैं एसेस कर पाऊंगी। तो इस तरह आप कोलाबरेटर्स को ऐड कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स पे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।